अगला सवाल है, एक था नकली सुन्नी, सलाम की बात कह रहे हैं, शेख मक्की अल हिजाजी को सुनना कैसा है, क्या मक्की अल हिजाजी साहब अहले हदीस हैं? देखिए मक्की हिजाजी साहब जो कि मक्का मुकर्रमा में हरम मक्की में खाने काबा के अंदर सहन में या बाज़ इलाकों में पहले दर्स दिया करते थे, गालिबन नबी उनकी सेहत की वजह से वो दुरूस रुक गए हैं, एक अरसे से वो हरम में दर्स देते रहे हैं। उनके दुरूस में बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं आती है जो सऊदी अरब के अंदर जिसकी वजह से हुकूमत उनके सिलसिले में कोई ऐसा फैसला करे कि उनका दर्स रुक जाए, यानी वहां पर बैठ करके वो इस तरह के मसाइल को सराहत के साथ जिक्र नहीं करते जो मसाइल कुरान और सुन्नत और मनाज़े सहाबा के खिलाफ है। लेकिन असलन वो हनफी हैं, देवबंदी हैं, और उनके यहाँ जो खलल देवबंदियों में या अनाफ में पाया जाता है वो खलल उनके यहाँ मौजूद है, लिहाजा उनकी उन गलतियों की निशानदेही की जानी चाहिए। वहां दुरूस में भी अगर बारीकी से सुना जाए तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इस अंदाज से बयान कर दिए जाते हैं जो कुरान और सुन्नत से जिसके अंदर टकराव की सूरत पैदा हो जाती है, लिहाजा वो देवबंदी हैं और देवबंदियों के मसलक की ही दावत देते हैं जो उनका काम है और उनके काम से वाज़ह है।